अखाड़ा में आज सबसे पहले बात अमृतपाल की और इस भगोड़े से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस अमृतपाल को पुलिस कई राज्यों में ढूंढ रही है, खबर है कि वो अमृतपाल दिल्ली भाग गया है। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की ये बहुत बड़ी खबर है कि अमृतपाल दिल्ली भाग गया है। गौरतलब है कि लास्ट इसको CCTV के जरिए इसको शाहबाद यानी कुरुक्षेत्र हरियाणा के इलाके में देखा गया था, जहाँ ये छतरी पकड़कर पैदल चलता हुआ जाता हुआ दिखा। लेकिन इसके बाद अब यह खबर सामने आ रही है कि अमृतपाल अब दिल्ली की तरफ आ रहा है। वहीं ये गोरखा बाबा की तस्वीर है न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव, जो कि अमृतपाल का गनमैन है। ये कल गिरफ्तार हुआ था गोरखा बाबा, और अब इसी की तस्वीर सामने आई है। ये भगोड़े अमृतपाल का गनमैन था और अमृतपाल के ट्रेनिंग सेंटर का ये वीडियो अब सामने आया है, जहां ये गोरखा बाबा बंदूक चलाता हुआ दिख रहा है। तो ये वो ट्रेनिंग सेंटर जहां अमृतपाल के कुछ समर्थक खड़े हुए हैं और ये गोरखा बाबा हाथ में राइफल लिए फायरिंग कर रहा है। यही ट्रेनिंग सेंटर का वीडियो जो सामने आया है। इस ट्रेनिंग सेंटर में अमृतपाल के समर्थक हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में अमृतपाल का गनमैन गोरखा बाबा भी दिख रहा है, जो फायरिंग कर रहा है। इसी गोरखा बाबा को पुलिस ने कल गिरफ्तार भी किया है। अब गौर से देखते हैं इस वीडियो को। यहाँ वॉल पर हमने वीडियो लिया लाए हैं, ये एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज 18 के पास। अब गोरखा बाबा निशाना साधते हुए दिख रहा है और कहीं ना कहीं ये खुले खेत हैं। इन खेतों में कहीं पीछे, और अगर आप देखेंगे जैसे ही ये वीडियो शूट करने के बाद, यही गोरखा बाबा है अब ये, और ये फिर राइफल पर जो किकबैक आता है उसी पर आप देख रहे हैं रिकॉयल पर झटका खाता हुआ अमृतपाल का ये गनमैन गोरखा बाबा, जिसके हाथ में राइफल है। और इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो चार और लोग खड़े हुए देख रहे हैं इसको निशाना तानते हुए साधते हुए। ये कल ही गिरफ्तार हुआ है, ये अमृतपाल का गनमैन है गोरखा बाबा, जिसको कि अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वीडियो इस बात की पुष्टि भी करता है कि आर्म्स ट्रेनिंग भी कर रहे थे अमृतपाल के साथी, आर्म्स ट्रेनिंग भी कर रहे थे। क्या इन हथियारों का उनके पास वैध लाइसेंस था, ये देखने वाली बात है। पंजाब सरकार ने कई सारे अमृतपाल के साथी, समर्थक, उनके करीबी, उनके परिजन, उन सब के आर्म्स लाइसेंस को कैंसिल भी किया है अमृतपाल की हरकतों को देखते हुए। लेकिन अगर आप देखें इस वीडियो में हमारे पीछे, यहाँ वो वीडियो जब जैसे ही साइड की ओर जाता है तो वहाँ चार लोग और खड़े हुए हैं इस वीडियो में, जो कि देख रहे हैं गोरखा बाबा कैसे गन लेकर फायरिंग कर रहा है। यही वो गोरखा बाबा है जिसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको अमृतपाल के एक और साथी की वीडियो दिखाते हैं। ये व्यक्ति आपके सामने जो AKF की जैकेट पहन के खड़ा है, बैठा हुआ है, खाना खाता हुआ दिख रहा है, ये हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेता दिख रहा है, ये है बसंत सिंह। इस बसंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसे असम के डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है। आप देखें तो इसने भी अनंतपुर खालसा फौज AKF इसकी जैकेट पहन रखी है। ये अन्य साथियों के साथ है और पीछे इनकी बंदूकें रखी हुई हैं। आप पीछे के, अगर आप पीछे देखें तो इन सब के पास राइफल्स हैं, इन सब के पास बंदूकें हैं और ये बैठकर खाना खाते हुए दिख रहे हैं और इनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं। जब ये गिरफ्तारी हुई, जब सीजर हुए हैं, तो इनके पास से कई सारे बुलेट प्रूफ जैकेट्स और कई सारे इनके पास से असला भी बरामद हुआ है, राइफल्स बरामद हुई हैं। ये एक और बसंत सिंह, अमृतपाल का साथी, जो खुद पिस्तौल चलाता हुआ दिख रहा है। इसके हाथ में आप देख रहे हैं पिस्तौल है और वो पिस्तौल से निशाना साधता हुआ दिख रहा है खेतों की तरफ। और ये शॉट और हल्का सा एक रिकॉयल और फिर उसके हाथ में आप देख रहे हैं पिस्तौल। तो ये कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए टारगेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस बात के लिए टारगेट प्रैक्टिस कर रहे हैं? किसी राइफल रेंज में वैध तरीके से नहीं कर रहे हैं, खेतों में खड़े होकर गुप्त तरीके से किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, ये बहुत सारे प्रश्न हैं। अनंत तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं जलंधर से। दीपक बिष्ट कुरुक्षेत्र से जुड़ रहे हैं। जलंधर और कुरुक्षेत्र, ये सब, ये दोनों जगह थिएटर ऑफ एक्शन कहे जा सकते हैं, क्योंकि अमृतपाल और उसके जितने भी साथी हैं इन्हीं एरियाज में दिखे हैं, यहीं से फरार होता हुआ दिखा है। अनंत, सबसे बड़ी बात कि जलंधर से कुरुक्षेत्र, जहां वो शाहबाद में दिखा था छतरी लेकर किसी के घर से निकलकर पैदल निकल के जाता हुआ दिखा था, अब आप ही बता रहे हैं कि आपको खबर मिली है कि वो दिल्ली आया हुआ है।
जी आनंद, देखिए जो पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस के सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली की तरफ जो है वो अमृतपाल ने मूव किया है, वो किसी निजी वाहन या किसी तरह से कोई लिफ्ट लेकर जो है वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा है, और उसको लेकर अब दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें जो हैं वो हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं। पंजाब पुलिस से लगातार दिल्ली पुलिस संपर्क में है, और पंजाब पुलिस का मानना है कि कोशिश की जा रही है कि उसे दिल्ली बॉर्डर से पहले या दिल्ली बॉर्डर पर दबोचा जाए। अगर अमृतपाल दिल्ली बॉर्डर पर गिरफ्तार हो जाता है तो उसे पंजाब में नहीं रखा जाएगा, ये भी सूत्र बता रहे हैं। उसे किसी दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर दिया जाएगा, चूंकि उस पर NSA लगा हुआ है और वहाँ पर पंजाब पुलिस जाकर उससे पूछताछ करेगी। दूसरी बड़ी खबर आनंद ये है कि आनंदपाल से जुड़े मामले में एक संदिग्ध से दिल्ली में पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस उस संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। दो दिन पहले भी तिलक विहार से एक जो एक एसोसिएट था अमृतपाल का, उसे पंजाब पुलिस उठाकर पंजाब ले गई थी, जो एक तरीके से काफ़ी करीबी अमृतपाल का बताया जा रहा है। तो चौतरफा अमृतपाल के जितने भी करीबी हैं, उसके एसेट हैं, उन पर जो है शिकंजा कसना जो है वो अलग अलग एजेंसी ने शुरू कर दिया है। और आज का दिन आनंद काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि आज पंजाब पुलिस को उम्मीद है कि कुछ बड़ी कामयाबी उनको मिल सकती है, क्योंकि अमृतपाल के बेहद करीब पहुँच गई है पंजाब पुलिस, क्योंकि फ़ोन का इस्तेमाल वो नहीं कर रहा, लेकिन कई CCTV फुटेज जो हैं और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से अमृतपाल का जो नया हुलिया है उसके जरिए अमृतपाल तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और जो हरियाणा दिल्ली बॉर्डर है वहां पर सबसे ज्यादा जो है वो अलर्ट इस समय रखा गया है जी। तो पैदल पहले गाड़ी से निकला, और वो भी बढ़िया SUV से, और फिर उसके बाद एक छोटी गाड़ी में चला गया, फिर वहां से बाइक पे चला गया, फिर स्कूटी पे चला गया, फिर हाथ गाड़ी, और फिर अब पैदल ही निकल गया। ये कहीं ना कहीं उसी की दशा दिखा रही है कि कहां किस लेवल पर था और कहां आकर पहुंच गया है, किस्मत ने कहां पटक दिया और कहां उसकी जग हसाई हो रही है। एक तो अपने आप को हीरो कहने वाला दीपक, ये व्यक्ति आज सब उसकी जग हसाई हो रही है और उसे भगोड़ा करार दिया जा रहा है, और कई जगह से कई फिरकों से ये आवाज़ आ रही है कि ये भाग क्यों रहा है। अगर इसके पास छुपाने को कुछ नहीं और जो ये कर रहा था सही कर रहा था तो फिर ये भाग क्यों रहा है। दूसरी बात दीपक कि उसकी बीवी वो खुद NRI है, और ये खबर है कि उसके जरिए वो ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल आनंद, देखिए जिस तरह से इनपुट्स मिल रहे हैं पुलिस एजेंसियों को, वो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके ये कर सकता है कि वो यहाँ से फरार होने की कोशिश है, क्योंकि जो पासपोर्ट है वो भी उसके घर से नहीं बरामद हुआ है। दूसरी तरफ जो लास्ट मोमेंट उसकी कुरुक्षेत्र इलाके की थी, हम उसी जगह पर हैं, क्योंकि जो छतरी लेकर फुटेज एक जारी किया गया था पुलिस के द्वारा, जिसमें दो शख्स जो उसके साथ पप्पल प्रीत उसके साथ मौजूद था और एक थैला हाथ में था, वो इसी जगह का फुटेज है। और यहाँ पर शाहबाद का एक बस अड्डा आपको दिखाएंगे, इसी बस अड्डे को लेकर यहाँ पर संशय है कि हो सकता है कि क्योंकि पैदल मूवमेंट उसकी बस अड्डे की तरफ दिखाई दे रही है छतरी में, और उसके बाद इस बस अड्डे से वो यहाँ से जो बसें जाती हैं ये जानकारी मिल रही है कि वो दिल्ली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरफ मूवमेंट हो सकती है। तो ये माना जा रहा है कि बस अड्डे का इस्तेमाल करके वो दूसरी जगह गया है, और अमृतपाल ने अपने साथी पप्पल प्रीत का पूरा इस्तेमाल किया है, क्योंकि जिस जगह पर शाहबाद इलाके के सिद्धार्थ कॉलोनी में जिस बलजीत कौर महिला के घर में वो रुका था, हम उस घर में गए थे, अब वहाँ पर कोई नहीं है और कोई बताने वाला नहीं कि कहाँ मूवमेंट है, लेकिन जो उसके CCTV फुटेज ट्रैक किए गए वो इस जगह पर आए हैं, और शाहबाद बस अड्डे से वो कहाँ गया अब पुलिस एजेंसियां जो है उसके पीछे लगी है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, और खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमृतपाल की बीवी जिससे उसने अभी एक महीने पहले ही शादी की थी वो NRI है, वो UK की रहने वाली है, और उसको पिछले साल बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ एक्टिविटी और उसकी फंड रेजिंग के चक्कर में उसको गिरफ्तार भी किया गया था और फिर उसको बाद में छोड़ दिया गया। बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं। आनंद और दीपक आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक और अपडेट आपको बता दें कि भारत विरोधी ताकतों के इशारे पर अब पंजाब में जहर फैलाने वाला अमृतपाल, पंजाब में नशा और बंदूक का क्राइम कंट्रोल और इसका कॉकटेल तैयार करने वाला अमृतपाल अभी तक तो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन उसे धर दबोचने के लिए 9 राज्यों की पुलिस शिरकत कर रही है, एक्शन में है। वहाँ बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि जैसा अभी दीपक बता रहे थे शाहबाद से वो बस उत्तराखंड UP या दिल्ली के लिए पकड़ सकता है, उत्तराखंड UP यानी क्या उस जरिए वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहा है। चारों तरफ से घिर गया अमृतपाल सिंह, अमृतपाल को पकड़ने के लिए कई राज्यों में एक्शन, अब नहीं बच पाएगा भगोड़ा अमृतपाल।
अमृतपाल सिंह अभी भी फरार है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। भगोड़े अमृतपाल की तलाश में कई राज्यों में अलर्ट है और लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक भगोड़े का रूट और कुछ गाड़ियां ही बरामद हुई हैं। वहीं इस मामले में एक नई जानकारी सामने आई है, अमृतपाल के उत्तराखंड में छिपे होने की सूचना मिली है, जिसके बाद उत्तराखंड में तलाश शुरू हो गई है। दरअसल न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अमृतपाल सिंह के हरियाणा में छिपे होने की खबर मिलते ही पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आशंका ये भी है कि यमुनानगर होते हुए अमृतपाल उत्तराखंड में दाखिल होने की कोशिश कर सकता है, जिसे देखते हुए उत्तराखंड पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन पंजाब से फरार होने के लिए अमृतपाल ने कई कारें बदली। पंजाब पुलिस के मुताबिक 18 मार्च को जलंधर के शाहकोट इलाके में मौजूद टोल प्लाजा पर अमृतपाल की मर्सिडीज दिखी थी। इसके बाद वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद न्यू कैसल इलाके में उसकी दूसरी कार बरामद हुई। वहां से 4 किलोमीटर दूर सलेमा में वो किसी और कार में दिखाई दिया। बाद में 7 किलोमीटर दूर उड़ोवाल से उसकी मर्सिडीज कार बरामद की गई। वहां से 12 किलोमीटर दूर नंगल अंबिया इलाके में वो बाइक पर नजर आया, जिसे 17 किलोमीटर दूर दारापुर से बरामद कर लिया गया। वहीं अमृतपाल को लिफ्ट देने वाले ड्राइवर का भी बयान सामने आया है। उसने कहा कि वो अमृतपाल को नहीं जानता था। रास्ते में दो मुंडे खड़े सी, वो मैनू कहंदे वी साडी मोटरसाइकिल पंचर हो गया ते सानू पंचर वाली दुकान तक ले जा। मैं उन्होंने उत्थों लद्दिया गड्डी दे विच मोटरसाइकिल, वो भी विच बैठ गए, मैं पंचर वाली दुकान ते मैथपुर ला दिता। अमृतपाल पर नई नई जानकारियां सामने आई हैं। भगोड़े अमृतपाल को धर दबोचने के लिए नेपाल बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर पर उसके पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं उसके पुराने कारनामों को भी खंगाला जा रहा है। अभी तक हथियारों, विदेशों से उसके लिंक, फंडिंग और ISI कनेक्शन की जांच की बातें खुलकर सामने आ रही हैं। वहीं इस मामले में उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अखाड़ा में इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है अमृतपाल से जुड़ी। दिल्ली पुलिस अमृतपाल मामले से जुड़े एक संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। आनंद तिवारी से और डिटेल देने की कोशिश करेंगे, वो इस वक्त जालंधर में है, लेकिन दिल्ली में चल रही हर मूवमेंट और हर डेवलपमेंट पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। जी बताइए आनंद। जी देखिए आनंद, एक संदिग्ध से दिल्ली पुलिस इस समय पूछताछ कर रही है। हालांकि ये दिल्ली पुलिस ने अभी खुलकर इस संदिग्ध के बारे में नहीं बताया। उनका कहना है कि ये पूछताछ काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, खासतौर पर काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट सिद्धू मूसेवाला और उससे पहले से लगातार पंजाब के कई बड़े गैंगस्टर और पंजाब में जिस तरह से खालिस्तानी एक्टिविटीज चल रही हैं या जो उनकी दूसरी यूनिट है वो लगातार उस पर काम कर रही थी और उनके काफ़ी अच्छे इनपुट जो है उन्हें मिल रहे थे। यही वजह है कि जब सिख फॉर जस्टिस के पोस्टर दिल्ली में लगाए गए थे 26 जनवरी से पहले, उस समय भी लगातार जो इनपुट्स हैं वो दिल्ली पुलिस को मिले थे कि किस तरह से खालिस्तानी मूवमेंट जो है वो दिल्ली में भी बढ़ाई जा सकती है। उसी सिलसिले में एक संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि इसका ताल्लुक अमृतपाल पंजाब से हो सकता है, इसलिए ये पूछताछ काफी महत्वपूर्ण हो रही है। आनंद एक और जानकारी जो है वो बड़ी सामने निकल के आई है कि जिस वक्त अमृतपाल दुबई में मौजूद था वो वहां से रिंदा के संपर्क में आया आतंकी, और ये जो गठजोड़ है इसके पीछे पाकिस्तान ISI थी जिसने रिंदा और अमृतपाल को कनेक्ट कराया, और इस कनेक्ट कराने की वजह थी कि वारिस पंजाब की आड़ में अमृतपाल भारत पहुंचे और वहां पर पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जाए। जी बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये, और कहीं ना कहीं उस RSS के नेता से भी की हत्या से भी अमृतपाल का नाम सीधा जुड़ रहा है, ये भी खबरें आई हैं। वहीं अमृतपाल से जुड़ी एक और खबर आ रही है, भगोड़े अमृतपाल के खिलाफ टेरर फंडिंग का मामला दर्ज हो सकता है। इसके साथ ही अमृतपाल का लिंक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी जुड़े होने की खबर सामने आ रही है। UK से दुबई तक और दुबई से कराची और लाहौर तक ये कनेक्शंस जुड़ रहे हैं, तार जुड़ रहे हैं, और इन सब के सामने इनका मुखौटा या इनका फेस ग्राउंड पर अमृतपाल था। अमृतपाल को करोड़ों रुपया मुहैया करना, ये फैसिलिटेशन दुबई और फिर UK से हुई। ये दोनों लोग जिन्होंने ये काम किया वो ISI से जुड़े हैं, संपर्क से उनके उनसे संपर्क है। भारत में जिनका टेररिस्ट घोषित किया गया है और जिनकी ऑर्गेनाइजेशंस को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है भारत द्वारा, ये उनसे जुड़े हैं और इनके तार सीधा ISI से जुड़ते हैं। क्या अमृतपाल ISI की कठपुतली बनकर यहाँ भारत आया था? बहुत बड़ा प्रश्न ये है, और इसीलिए इस पर टेरर फंडिंग का मामला भी दर्ज हो सकता है।
वहीं भगोड़े अमृतपाल की तलाश पुलिस कई राज्यों में कर रही है। इस बीच अमृतपाल की लोकेशन हरियाणा में मिली, जिसके बाद पुलिस ने उस महिला राजदार को गिरफ्तार कर लिया जिसने अमृतपाल को अपने घर में पनाह दी थी, और वो भी करीब 24 घंटे तक पनाह दी थी। अमृतपाल और उसके एक और साथी, जो कहा जा रहा है कि पपलप्रीत है, और फिर पूछताछ में महिला ने अमृतपाल का एक और राज खोल डाला। भगोड़ा अमृतपाल 18 मार्च के बाद से शहर दर शहर, गांव दर गांव भाग रहा है, छिप रहा है, हुलिया बदल रहा है कि कैसे भी करके वो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से बच सके। लेकिन अब चारों तरफ से अमृतपाल घिर चुका है, क्योंकि पहले भगोड़े अमृतपाल पर एनएसए लगाया गया, उसके बाद विदेश भागने की उसकी प्लानिंग पर सुरक्षा एजेंसियों ने पानी फेर दिया, क्योंकि अमृतपाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। लेकिन अब भी अमृतपाल छिप रहा है, और ऐसे में उसके कई मददगार पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में एक महिला आई है जिसने अमृतपाल के भागने वाले प्लान में उसकी मदद की थी। कई राज्यों में अलर्ट, अमृतपाल फरार, शिकंजे में अमृतपाल की महिला मददगार। अमृतपाल के एक के बाद एक कई वीडियो सामने आए थे जिसमें वो हुलिया बदलकर जलंधर से भागता नजर आ रहा है। अब तक पुलिस उस कार और मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले चुकी है जिसके सहारे अमृतपाल फरार हुआ था। साथ ही अमृतपाल के उन चार साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था जिनके सहारे अमृतपाल फरार हुआ। लेकिन अब पुलिस ने एक महिला को कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार किया है, क्योंकि दावा किया गया है कि कुरुक्षेत्र के इशाबाद में अमृतपाल रुका था और महिला ने अपने घर पर ही अमृतपाल को पनाह दी थी, और अब पंजाब पुलिस उस महिला से पूछताछ कर रही है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दो लोग जाते हुए नजर आए। दावा किया गया कि मुंह ढककर जो आगे जा रहा है वो पप्पल प्रीत सिंह है, जो अमृतपाल का साथी है, तो वहीं उसके ठीक पीछे पीछे अमृतपाल नजर आ रहा है, जो छाते से खुद को छिपाने की कोशिश करता दिख रहा है। ये वीडियो 20 मार्च यानी कि अमृतपाल के फरार होने के दो दिन बाद का है। 20 मार्च को करीब 12:30 बजे अमृतपाल कुरुक्षेत्र में मौजूद था। इस वीडियो ने अमृतपाल के कुरुक्षेत्र में होने की पुष्टि कर दी है, क्योंकि इस बीच खबर आई थी कि अमृतपाल पंजाब से फरार हो चुका है, और अब ये वीडियो बताती है कि वो पंजाब से हरियाणा पहुंच चुका था। लेकिन अमृतपाल का प्लान देश छोड़कर भागने का था, इसलिए वो अपने साथियों के साथ मिलकर लगातार ठिकाने बदल रहा था। वहीं कुरुक्षेत्र बस अड्डे का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 20 मार्च दोपहर करीब 2 बजे का बताया जा रहा है, जिसमें मुंह छिपाए हुए पप्पल प्रीत सिंह और अमृतपाल नजर आ रहे हैं। दोनों छाता लेकर कुरुक्षेत्र बस अड्डे पर पहुंचे थे जिससे कोई उनको पहचान न सके। कुरुक्षेत्र में अमृतपाल की मौजूदगी की खबर मिलते ही पुलिस शाहबाद पहुंची थी, जिसमें पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया जिसके घर पर अमृतपाल रुका था। 22 मार्च का एक वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस अमृतपाल को पनाह देने वाली महिला को अपने साथ ले जाती दिख रही है। यानी एक एक वीडियो को कड़ी दर कड़ी जोड़ा जाए तो पता चलता है कि 18 मार्च को टोल प्लाजा पर अमृतपाल दिखा था। 18 मार्च को एक और वीडियो सामने आया था जिसमें हुलिया बदलकर मोटरसाइकिल से अमृतपाल फरार हो गया। 19 मार्च को अमृतपाल हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचा, तो वहीं 20 मार्च को कुरुक्षेत्र के बस अड्डे पर अमृतपाल नजर आया। बाईस मार्च को शाहबाद इलाके से जिस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, दावा किया जा रहा है कि उसने पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश किया है, जिसमें महिला ने बताया है कि पप्पल प्रीत सिंह के संपर्क में महिला थी। पप्पल प्रीत सिंह के साथ अमृतपाल महिला के यहां रुका, उत्तराखंड भागने की फिराक में था अमृतपाल, जिसके बाद अब उत्तराखंड और हिमाचल के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है
कि कहीं अमृतपाल उत्तराखंड के रास्ते नेपाल न भाग जाए। फिलहाल अमृतपाल पूरी तरह से घिर चुका है क्योंकि एक एक कर उसके सारे राजदार पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। अमृतपाल के साथ पुलिस उसकी मदद करने वाले लोगों की भी छानबीन कर रही है। पुलिस उसके सभी साथियों पर बारीकी से नजर भी रखे हुए है। ऐसे में पुलिस को एक शख्स की तलाश है जो शुरू से ही उसका करीबी रहा है और उसका नाम है पप्पल प्रीत। दावा है कि पप्पल प्रीत ही अमृतपाल को हर चीज मुहैया कराता है। पप्पल प्रीत ही उसका मीडिया सलाहकार है और उसी की देखरेख में अमृतपाल का कार्यक्रम भी होता है। अमृतपाल से जुड़ी कौन सी खबर सोशल मीडिया पर अपलोड करनी है, ये सब कुछ पप्पल प्रीत ही देखता था। इतना ही नहीं, पप्पल प्रीत एक यूट्यूब चैनल भी चलाता था और इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव था। पप्पल प्रीत उसका मीडिया सलाहकार तो था ही, विदेशों से चलने वाले चैनलों के साथ वो बतौर पत्रकार जुड़ता भी था और अमृतपाल की बातें सामने रखता भी था। वहीं इस भगोड़े से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि अमृतपाल सिंह ने अपना हुलिया बदल लिया है। बिना पगड़ी के अमृतपाल घूम रहा है। दरअसल ये दावा कुरुक्षेत्र से जो महिला गिरफ्तार हुई उसने किया है। आनंद तिवारी से लाइव जुड़ने की कोशिश करेंगे और उससे अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन गौरतलब है कि आज से 2 साल पहले अमृतपाल दुबई में ऐश और आराम की जिंदगी जी रहा था। उसने तब अमृत नहीं चखा था, ना ही उसने सिक्खी को पूरी तरह से अपनाया था। अगर आप तस्वीरों को गौर से देखें तो अमृतपाल के जितने गुर्गे अब तक गिरफ्तार हुए हैं उनमें से हर कोई इस बात का गुनहगार है कि जो सिक्खी का हवाला देते थे वो खुद सिक्खी की को पाला का पालन नहीं करते थे। अब बताया जा रहा है कि भगोड़ा बनकर अमृतपाल ने अपना सिख रूप त्याग दिया है और अब बिना पगड़ी के और सामान्य वेशभूषा में हुलिया बदलकर वो शाहबाद से निकला है। और ये बात उस महिला ने बताई है जिसने उसे पूरी करीब 24 घंटे शरण दी। अब अमृतपाल के ट्रेनिंग सेंटर पर न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची जहां अमृतपाल के समर्थक हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते हुए दिखे थे। तो अमृतपाल सिंह कहाँ है इसको लेकर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब समेत पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। अब तक 154 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमृतपाल के साथ साथ उसके 4 सहयोगियों पर NSA लगा दिया गया है। लेकिन इसी बीच कल एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जो अमृतपाल सिंह का गनमैन बताया जा रहा है, जिसका नाम है तेजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा। उसकी एक तस्वीर सामने, उसका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो शूटिंग करता हुआ नजर आया, पिस्टल चलाता हुआ नजर आया और वो जहां पर मौजूद था, जिस जगह पर वो पिस्टल चला रहा था, फायरिंग कर रहा था, उसी जगह पर न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले पहुंचा। ये तस्वीर देखिए, मैं आपको नीचे की दिखाना चाह रही हूं। दरअसल यही वो जगह है जहां पर गोरख बाबा जो है, यानी कि तेजिंदर सिंह, यहां पर फायरिंग करता था और साथ ही अपने साथ लोगों को ट्रेनिंग देता था। आपको यह भी बता दूं कि दरअसल ये जगह अमृतपाल सिंह के घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी इस नहर में जरूर पानी है, लेकिन जिस वक्त का ये वीडियो है उस वक्त इस नहर में ना पानी था। और देखिए, क्योंकि हम यहां पर मौजूद है इसीलिए मैं आपको बता दूं कि आसपास की, अगर आप, मैं अपने कैमरामैन चमन को भी कहूंगी आसपास के एक बार तस्वीर जरूर दिखा दे कि अगर आप आसपास की तस्वीरों को देखेंगे तो घना जंगल है ये। मतलब यहां पर अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि सूरज ढलने के बाद जो है लोग यहां पर आते भी होंगे। और यहां पर अगर गोली चलाई जाती है, फायरिंग यहां पर की जाती है, तो नामुमकिन है कि यहां पर बाहर जो है सुनाई दे, क्योंकि हम इस जंगल के लगभग जो है 1 किलोमीटर के अंदर पहुंच चुके हैं। और इतना ही नहीं, 1 किलोमीटर यही वो जगह है, यही वो स्पॉट है जो वीडियो आप देख भी पा रहे हैं, जहां पर गोरखा बाबा अपने साथ लोगों को जो है ट्रेनिंग दिया करता था। अमृतपाल सिंह भी यहां पर आता था और वो गोरखा बाबा, क्योंकि जाहिर सी बात है गोरखा बाबा जो है वो उसका गनमैन था। लेकिन अब आप ऐसे में समझिए कि सिक्योरिटीज जो हैं, क्योंकि गनमैन जो है वो उसके साथ सिक्योर रहता था, लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस जगह को ही आखिर क्यों चूज किया गया। जान बूझ कर जो है इतनी शांति वाली जगह चूज की गई ताकि आनंदपुर खालसा फौज के जो लोग हैं उन्हें गन की ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि अगर आने वाले समय में ऐसे पनपे तो वो सभी जो है वो हथियार उठा सके। वीडियो जर्नलिस्ट श्रमण के साथ अनुपमा झा, अमृतसर।
अब वहीं भगोड़े अमृतपाल का एक और नया वीडियो सामने आया है, जिसमें अमृतपाल अपने साथियों के साथ लुधियाना के शेरपुर चौक पर दिखा है। ये वीडियो 18 मार्च का बताया जा रहा है। दावा है कि कुछ दूर पैदल चलने के बाद वो एक बस में बैठकर पंजाब से हरियाणा के लिए निकला था। ये रहा वो वीडियो आपके सामने, जहां वो पैदल चलने के बाद एक बस में बैठता है और फिर हरियाणा, पंजाब से हरियाणा निकल जाता है, जहां वो हरियाणा के शाहबाद में दिखा था, कुरुक्षेत्र इलाके में।